दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुलंदशहर का दौरा करेंगे, यहां जनसभा का आयोजन होगा। वेस्ट यूपी को 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा भी देंगे। पीएम मोदी की ये जनसभा दोपहर 12 बजे नवादा गांव के शूटिंग रेंज मैदान पर होगी और इस दौरान प्रधानमंत्री अलग अलग सेक्टर में ये 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जानकारी आप देख सकते हैं। पीएम मोदी के बुलंदशहर दौरे से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया। चाक चौबंद रहेगी शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी प्रधानमंत्री के दौरे के चलते हैं। और पीएम की इस जनसभा में 5 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने का अनुमान है। सभी वाहनों को भी बैन कर दिया गया सुरक्षा व्यवस्थाओं के चलते हैं। चलिए अगली खबर देखिए आप। रामलला की दो और प्रतिमाएं सामने आई हैं और इन दो में से एक और श्यामल रंग की प्रतिमा है जबकि तीसरी सफेद संगमरमर की बनी हुई मूर्ति है। हालांकि इन तीनों को ही मंदिर में ही विराजित किया जाएगा। तीन में से एक तो आपको बता होगा गर्भगृह में विराजित हो चुकी है जिसकी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा की गई और बाकी ये दोनों को अब और राम मंदिर में ही विराजित किया जाएगा। ये दोनों भी बड़ी ही भव्य और आकर्षक प्रतिमाएं हैं। हालांकि जिस प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया गया उसके बाद तो मानो ये मूर्ति जीवंत हो उठी है। रामलला के बाल स्वरूप के दर्शन करते हुए तो ऐसा लगता मानो इस प्रभु श्री राम की छवि को आंखों में संभाले हमेशा हमेशा के लिए। हालांकि इतनी अद्भुत और तेज ओजस वाली दिव्य अलौकिक प्रतिमा दर्शन कर लीजिए आप भी। और अभी देखिए अयोध्या में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। इतनी भीषण ठंड के बावजूद खचाखच भीड़ भरी हुई है, ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, अंदाजा लगा सकते हैं लोगों की भीड़ का। हालांकि सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए फिर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर कोई वीवीआईपी अयोध्या आता है तो 7 दिन पहले ही बता दें। सीएम ने ये अपील की है ताकि उस हिसाब से व्यवस्थाएं की जा सके, है ना। और अभी देखिए रामलला के दूसरे दिन के श्रृंगार हरे रंग की वेशभूषा पहनाई गई है रामलला को, जबकि प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे रामलला ने। रोजाना नए वस्त्र पहनेंगे रामलला और रोजाना नया श्रृंगार होगा। बिल्कुल एक राजकुमार की भांति 5 वर्षीय बालक स्वरूप रामलला की देखरेख और उनकी सेवा की जा रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का उद्घाटन किया और नए एंटरप्रेन्योर को लेकर भी सबसे बड़ी घोषणा कर दी है। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्यमियों को अपना लघु उद्योग स्थापित करने के लिए 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा और जल्दी यह नई योजना शुरू की जाएगी। इतना ही नहीं 2 लाख का लोन समय पर चुकाने के बाद 5 लाख रुपए का लोन और दिया जाएगा। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने ओडीओपी उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए एक ओडीओपी मार्ट पोर्टल भी लॉन्च किया। ओडीओपी की वजह से उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। सीएम योगी ने कहा कि ये बड़े गर्व की बात है। और उत्तर प्रदेश दिवस पर यूपी वासियों के लिए एक और अच्छी खबर देखिए आप। किसान बालकों को ट्रैक्टर की चाबी तो बेघर लोगों को मिली घर की छत भी। कई जिलों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये लोगों को घर वितरित किए गए और किसान बालकों को ट्रैक्टर की चाबी भी दी, देख सकते हैं आप तस्वीरें। चलिए अगली खबर है। सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में भी बदलाव किया। अब 2275 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया गेहूं की एमएसपी और इस बार 1 अप्रैल की बजाय 15 मार्च से ही गेहूं की खरीद भी शुरू कर दी जाएगी। यूपी दिवस के मौके पर सीएम योगी ने किसानों को भी राहत दी है। चलिए अगली खबर है। गरीब परिवार की बेटियों को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में 12वीं तक होगी अब पढ़ाई। पिछड़े क्षेत्रों में गरीब परिवार की बालिकाओं लड़कियों को कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के माध्यम से निःशुल्क आवासीय शिक्षा दी जा रही है। अभी कुल 649 में से 442 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों को इंटरमीडिएट तक उच्चीकृत किया जा रहा है, यानी कि 12वीं तक बढ़ाया जाएगा। अभी फिलहाल 8वीं तक की पढ़ाई होती है लेकिन 2024-25 में इन स्कूलों में कक्षा 9वीं से भी दाखिले हो पाएंगे। प्रत्येक विद्यालय में 100-100 सीटें होंगी। जल्द ही इनका निर्माण भी होगा। अगले महीने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरवरी में उच्चीकृत स्कूलों का लोकार्पण भी करेंगे। और वहीं देखिए आप, यूपी स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद में भी विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला से बनाया प्रदेश का नक्शा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और यूपी दिवस पर वैज्ञानिक व उद्यमी भी होंगे सम्मानित। चंद्रयान मिशन में उप संचालन निदेशक वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव को गौरव सम्मान दिया गया दोनों को। और देखिए आप, कल 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर भी प्रदेश में तैयारियां शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सादगी से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस। इस बार गणतंत्र दिवस परेड में आकर्षण का केंद्र बनेगी नमो भारत। यूपी की झांकी की भी थीम देखने को मिलेगी आपको। रामलला की झलक भी दिखेगी राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर। और वहीं देखिए आप, रिपब्लिक डे पर काशी की 2 सफाईकर्मी भी स्टेट गेस्ट रहेगी, ये मोदी को तोहफा देंगी। भावुक होकर बोली की टीवी पर देखिए दिल्ली, पहली बार एसी फर्स्ट में बैठे हैं। चलिए दोस्तों, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है। योगी सरकार की प्रोत्साहन नीति का भी असर दिखा। 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश में करोड़ों रुपए का निवेश आया। एक स्टडी के मुताबिक पिछले 5 सालों में राज्य 4,42,850 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश आकर्षित करने में सफल रहा है। और अब तो अयोध्या में राम मंदिर बन चुका तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएंगे। देखिए आप, तमिलनाडु में भी योगी के यूपी की धूम नजर आई। 2 करोड़ नल कनेक्शन के रिकॉर्ड की सुनाई दी गूंज। तमिलनाडु में भी योगी सरकार की हर घर नल जल योजना की सफलता की तारीफ हुई है। और एक अच्छी खबर है, काशी में बिछेगा सड़कों का जाल। 12,000 करोड़ से बनेगा 300 किलोमीटर का आउटडोर रिंग रोड और इससे काशी की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। बड़ी खबर देखिए, बालिका दिवस पर विशेष काशी में बेटियों
बच्चों के बराबर पहुंची बेटियां बनाया गया रिकॉर्ड, हर दिन हासिल कर रही नया मुकाम। HMIS पोर्टल पर दर्ज हुए आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब लड़कियां भी लड़कों के बराबर शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सेना, समाज सेवा से लेकर हर क्षेत्र में अपनी बराबर हिस्सेदारी निभा रही हैं। और बड़ी खबर है, यूपी के इन शहरों में रुकेगा अवैध इमारतों का निर्माण। योगी सरकार ने नए मास्टर प्लान को मंजूरी दी है। इसके लिए मास्टर प्लान 2031 बनाया गया है और इसकी अधिसूचना जारी होते ही वाराणसी और गोरखपुर जैसे शहरों में भवनों के नक्शे पास किए जाएंगे और नक्शे के आधार पर ही निर्माण कार्य होंगे। अवैध निर्माण को रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने ये नया प्लान बनाया है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, कोल्ड ड्रिंक पीने से एक महिला की मौत हुई। अब कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया, महिला को 18 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। एक महिला ने लिम्का कोल्ड ड्रिंक पी और उसकी मौत हो गई। मामले को मृतका के पति ने अलीगढ़ उपभोक्ता आयोग में डाला तो उपभोक्ता आयोग ने एक कंपनी पर जुर्माना लगाकर मुआवजा दिलाने का आदेश जारी किया। आना तो आप भी ध्यान रखें, जागो ग्राहक जागो। चलिए अगली खबर है, लखनऊ के विकास पर खर्च होंगे 28 अरब रुपए। नगर निगम ने पिछले साल की तुलना में 800 करोड़ रुपए का बजट बढ़ाया। सफाई पर विशेष फोकस रहेगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब आपको नए स्वरूप में नजर आएगी। और खबर है, हापुड़ में पूर्व पीएम के गांव में बनेगा इंटर कॉलेज। काली नदी पर भी होगा नए पुल का निर्माण। 3 करोड़ का बजट भी जारी हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जन्मस्थली नरूपुर में ये 3 करोड़ की लागत से डेवलपमेंट कराया जाएगा। और देखिए आप, अम्बेडकर नगर में 3 सड़कों के निर्माण से 50,000 लोगों को सहूलियत होगी। 3 ब्लॉक खंड में होगा निर्माण। 1,37,00,000 रुपए से बजट तय किया गया। और खबर है, प्रयागराज में दिखेगी मुंबई जैसी चौपाटी। बोट क्लब पर बनेगा ओपन एयर रेस्टोरेंट भी। पर्यटकों को भाएगा लेजर शो भी। ये भी नए विकास की तैयारियां चल रही है। और देखिए, ठंड के माहौल के बीच सब्जियों के दाम में उछाल आया है। टमाटर 30 से पहुंचा 60 रुपए प्रति किलो। ग्राहक के साथ साथ दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं, बोले कि घर चलाने में भी मुश्किलें हो रही हैं। कई बार अक्सर आपको बताऊंगा कि ठंड के समय टमाटर के दाम बढ़ जाते हैं। प्याज लहसुन वगैरह भी कई बार महंगा होता है और इस बार भी कुछ हालात ऐसे हो रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही, ज्ञानव्यापी ASI सर्वे की रिपोर्ट को लेकर हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों को सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट। वकील विष्णु शंकर जैन का कहना कि कोर्ट में सहमति बनी कि रिपोर्ट की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। और खबर है, मस्जिद से झंडा उतारकर श्रीराम का झंडा लगाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के दिन 4 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया। एक की तलाश अभी भी जारी है। शाहजहांपुर पुलिस ने 3 ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया जिन्होंने सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की कोशिश की है। चलिए खबर है दोस्तों, मिल्कीपुर में CM सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा 25 तारीख को। 550 लोगों ने आवेदन किया, 513 का सत्यापन भी हुआ। BDO ने इस बात की जानकारी दी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह आयोजन बालिका इंटर कॉलेज परिसर में होगा, अयोध्या मिल्कीपुर में, है ना। और वहीं देखिए आप, बड़ी खबर, लखनऊ में एक मोबाइल गेम में 10,000 रुपए हारने पर हाई स्कूल के छात्र ने ये कदम उठा लिया। और आए दिन ऐसी गेम खेलकर बच्चों के साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब इसको लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक चेतावनी भी जारी की है। देखिए आप कि गेम में मिलने वाले लुभावने ऑफर के जाल में न फंसे, स्मार्ट खेलें और सुरक्षित रहें। हाल ही में गेमिंग एप्स के माध्यम से धोखाधड़ी की घटनाओं के बढ़ते मद्देनजर गृह मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग खेलते समय लोगों से सावधानी बरतने की चेतावनी जारी की है। और खास करके टीनेजर युवा लड़के लड़कियां जो ऑनलाइन गेम PUBG, फ्री फायर वगैरह, GTA 5 ऐसे गेम खेलते हैं, उनके लिए सरकार ने ये नई गाइडलाइंस जारी की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हाल ही में 500 इस तरह की गेमिंग एप्लीकेशन को बंद किया जो बच्चों को लुभावने ऑफर देती है और फिर बैंक खाते से पैसे कट जाते हैं। तो गेम खेलते समय कभी कोई निजी जानकारी शेयर ना करें कहीं चैट या फोरम में, ये भी सावधानी बरतें आप। चलिए बड़ी खबर आ रही है, काशी की 35 विभूतियों को मदन मोहन नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। BHU में 11 किताबों का लोकार्पण हुआ। शिक्षा, धर्म, विज्ञान समेत 10 कैटेगरी के एक्सपर्ट का भी सम्मान हुआ। मिर्जापुर में भी सामूहिक मुख्यमंत्री विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। 317 जोड़े एक दूसरे के हुए। अनुप्रिया पटेल बोली कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा इंडी गठबंधन। और बड़ी खबर है दोस्तों, मुख्तार अंसारी के फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में 1 फरवरी को सुनवाई होगी। 36 साल पहले बंदूक खरीदने के लिए फर्जीवाड़ा हुआ। MP MLA कोर्ट में 10 गवाह बयान भी दे चुके हैं। खबर है, अटल आवासीय स्कूलों के लिए 3 फरवरी तक आवेदन होंगे। क्लास 6 और 9 में 280 सीटों पर होगा एडमिशन। 31 दिसंबर तक 3 साल का रजिस्ट्रेशन भी हो पाएगा। गोरखपुर के अटल आवासीय विद्यालयों को लेकर यह शेड्यूल जारी हो चुका है। और वहीं देखिए, राम मंदिर से जुड़े कुछ अपडेट दोस्तों। राम मंदिर ही नहीं बल्कि 13 और मंदिरों को बनाने की भी तैयारी हो रही है। दुनिया भर में अयोध्या की गूंज रहेगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गुरुदेव गिरिजी ने बताया कि मुख्य मंदिर को पूरा करने का काम जारी है, लेकिन इसके साथ ही अन्य परियोजनाएं भी चल रही है। देश भर में अलग अलग जगहों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह प्लान बनाया है। और एक अच्छी खबर देखिए आप, राम मंदिर के बाद इस खूबसूरत मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे PM मोदी। ये मंदिर मुस्लिम देश में बना हुआ है, उसके बावजूद इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करने जाएंगे अगले महीने फरवरी में। UAE में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन होगा 14 फरवरी को। खुद प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। ये मंदिर स्वामी नारायण भगवान का बना हुआ है जो कि UAE की राजधानी अबू धाबी में बनकर तैयार हुआ है।
ये भी मंदिर कितना भव्य है, देखिए आप तस्वीरें जरा, है ना, अद्भुत। और भक्तों की श्रद्धा भी देखिए दोस्तों, राम मंदिर के लिए पहले ही दिन दिल खोल कर दान किया भक्तों ने। पहले दिन 3,17,00,000 रुपए का डोनेशन आया भगवान राम के दरबार में। जो श्रद्धालु घूमने आए ना, उन्होंने दान पात्र में दान डाला। और रामलला की जो नई मूर्ति जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उनका नाम बालक राम रखा गया। कितना सुंदर नाम है बालक राम, है ना, प्रभु बच्चे की तरह दिखते हैं, उनकी उम्र 5 साल है, ये कहना है मुख्य पुजारी का। और देखिए दोस्तों, भारत में राम मंदिर बना तो दुनिया भर के मुस्लिम देशों को मिर्ची लगना शुरू हो गई। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भी राम मंदिर पर प्रतिक्रिया दी, और इस संगठन ने राम मंदिर की निंदा करते हुए कहा कि ये हमारे धार्मिक स्थल को मिटाया गया, बाबरी मस्जिद को मिटा करके यहां मंदिर बना दिया। इससे पहले पाकिस्तान ने भी कहा था कि ये भारतीय लोकतंत्र पर कलंक है। देखिए मुस्लिमों को मिर्ची लग रही दुनिया भर में, लेकिन कर कुछ नहीं सकते हैं क्योंकि मंदिर तो बन गया। अब प्रभु श्री रामलला जो अवतरित हो चुके हैं कलयुग में एक नए स्वरूप में, दुनिया में किसी की औकात नहीं कि रामलला को वापस मिटा दें। प्रभु श्री राम ने एक अवतार त्रेता युग में लिया था, और अब ये कलयुगी अवतार है प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप में। दुनिया भर में अपना प्रभुत्व और अपना आशीर्वाद भारत की अयोध्या से रामलला के जरिए मिलेगा, है ना। और वहीं देखिए आप, प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर में 48 दिनों का अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। काशी व दक्षिण भारत के आचार्य करवाएंगे मंडल पूजा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि अयोध्या बनेगी रोजगार का सबसे बड़ा केंद्र। 800,000 लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है इस राम मंदिर उद्घाटन के बाद। कई अलग अलग इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट होगा, सरकार ने शहरी का दायरा भी बढ़ा दिया। अयोध्या का दायरा 830 वर्ग किलोमीटर का करने जा रही है राज्य सरकार, तो इससे ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, तो इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा 8 अलग अलग सेक्टर में। मंदिर बनने के बाद आध्यात्मिक पर्यटन बढ़ेगा, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ेगी, नॉलेज एवं इनोवेशन, खुदरा बाजार, पर्यटन बाजार और भी कई तरह की गतिविधियां बढ़ेगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस वगैरह, ये तो इंडस्ट्री खुलेगी। तो ये शानदार तोहफा है प्रभु श्री राम का अयोध्या वासियों के लिए और पूरे प्रदेश वासियों के लिए भी, है ना। और देखिए राम भक्तों को दर्शन कराने के लिए भी सीएम योगी ने प्लान बना लिया। 600 स्पेशल बसें चलाई जाएगी 6 अलग अलग मार्गों पर। उत्तर प्रदेश रोडवेज की इन बसों का संचालन होगा। और वहीं लखनऊ से भी गुजरेगी अयोध्या के लिए 16 जोड़ी आस्था ट्रेन। 25 जनवरी से 29 फरवरी तक इन आस्था ट्रेनों का संचालन होगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह भी 4 फरवरी को अयोध्या के रामलला दर्शन करने के लिए आएंगे। 1 से 3 फरवरी तक वो यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान कैबिनेट का दौरा भी करेंगे। वहीं देखिए खबर आपकी, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हमलवार विपक्ष को मंत्री नंदी ने अक्ष पर दिया जवाब, है ना। तो दोस्तों ये रामलला से जुड़ी खबरें मैंने आपको एक साथ बता दी है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा और श्री राम के लिए एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते खबरों में, देखिए आप, उत्तर प्रदेश के संभल में मिले मुगल काल के सोने चांदी के सिक्के। 100 से ज्यादा सिक्के लेकर भागा ठेकेदार, वजन 1 किलो से भी ज्यादा। खबर है यूपी के इस जिले में राम राज्य जैसा माहौल, 24 थानों में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के बरेली में ये शांतिपूर्वक शोभा यात्राएं निकली और माहौल बहुत शांत रहा। अच्छा, मैंने आपको कल एक रिपोर्ट बताई थी ना दोस्तों कि राम मंदिर उद्घाटन के दिन लाखों करोड़ रुपए का कारोबार हुआ देश में। अब देखिए रिपोर्ट आ रही है कि 14 करोड़ से ज्यादा के तो सिर्फ भगवा झंडे बिक गए यूपी में। अमेजिंग, है ना। चलिए खबर है 25 जनवरी से आज से ही शुरू होगी राम भद्राचार्य की राम कथा भी। 1100 कलश की यात्रा भी निकलेगी। हाथरस के लाड़पुर में ये भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा राम भद्राचार्य के द्वारा। और वही खबर है राम मंदिर अयोध्या से भीड़ कम करने में जुटा प्रशासन, कई सारी विशेष ट्रेनें चलाई, इस वीकेंड भी लाखों लोग आ सकते हैं। और खबर है आगरा विश्वविद्यालय के लिए बुरी खबर, देखिए यूजीसी ने डिफॉल्ट सूची में डाला नाम, रुक सकता अनुदान। कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने के लिए भी अभियान चलेगा। राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी बोले कि 14,000 बच्चों को बांटेंगे पोषण किट। बलिया में देखिए 100 बेड का अस्पताल बनकर तैयार हुआ। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह बोले कि 25 साल से उपेक्षित था चिकित्सालय, अब इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और भी कई जगहों पर हॉस्पिटल के उद्घाटन हुए, देखिए आप, गोरखपुर में भी 100 बेड का टीबी सह सामान्य अस्पताल विकसित होगा। गोरखपुर जिला अस्पताल के जैसी यहां सुविधाएं भी मिलेगी। और कानपुर में भी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में जल्दी जल्दी बदलाव देखने को मिल रहा है। और मौसम समाचार पर खबर है दोस्तों, अगले 24 घंटे उत्तर प्रदेश में पड़ेगा घना कोहरा। मेरठ में पारा फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा कम है। पूरे प्रदेश में घने कोहरे व शीतलहर की चेतावनी है। हालात ये कि यूपी में पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। अयोध्या में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चल रहा है। 71 जिलों में कोल्ड डे और 51 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट है। तो सावधान रहिएगा, आप भी गाड़ी चलाते समय स्पेशली ध्यान रखें। और रेलवे से खबर आ रही की शिवरात्रि से पहले बड़ी सौगात, गोमती नगर गोरखपुर से देवगढ़ तक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। रामलला के दर्शन के लिए भी 32 आस्था स्पेशल ट्रेनें पूर्वोत्तर से पूर्वांचल तक चलेगी। और अयोध्या को 3 मेमू ट्रेन की सौगात भी मिलने जा रही है। 25 जनवरी से अयोध्या, लखनऊ, प्रयागराज और मनकापुर के बीच ये मेमू ट्रेनें चलेगी। ओके दोस्तों, तो ये आज दिन भर की उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का न्यूज यही समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से जिले में रहते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।